तो आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरी स्टेट में आज छुट्टी है, लेकिन इस छुट्टी का कहें तो 1931 13 जुलाई का दिन आपको सबको याद होगा। अगर किसी को नहीं भी याद है तो वो आज हम आपको हिस्ट्री बताएंगे कि आज के दिन अगर जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो क्यों कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और जम्मू में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, यानी एक सिक्के के दो पहलू उसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, अगर छुट्टी की बात करें तो आखिर क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि आज ये छुट्टी अनाउंस जो है वो करनी पड़ी। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उन ताकतों को दूर करने के लिए हमारे महाराजा हरि सिंह जी, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने उन देशद्रोही के खिलाफ एक्शन लेना चाहा, लेकिन वहाँ पर उनके खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार की गई और उसके बाद जो कुछ भी कश्मीर में हुआ वो सब कुछ मेंशन है अगर इतिहास का थोड़ा सा पीछे जाकर इस इतिहास को पढ़ा जाए। लेकिन वो इतिहास भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि वो राजा जिसने पूरे हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का विलय कराया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलाया, उसी महाराजा के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार की गई और आज का दिन जो कि कश्मीर में शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाता है और जम्मू में काले दिन के नाम से मनाया जा रहा है, यानी एक सिक्के के दो पहलू। आखिर क्या इसकी इतनी ज़रूरत आन पड़ी, आखिर क्यों ये दिन मनाया जा रहा है, तो इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है संदीप सिंह जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, उनसे जानते हैं क्योंकि अगर इतिहास का कहें तो इन्होंने पहले भी हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं इतिहास की शेयर की हैं, तो आज इस दिन के बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि कश्मीर में शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। संदीप जी, सबको पता है 1931 13 जुलाई का दिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है कि एक महाराजा जी के खिलाफ तैयार की गई उन देशद्रोहियों को खदेड़ने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक रणनीति तैयार की गई, लेकिन उन देशद्रोहियों नहीं महाराजा के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और ये जो भी हुआ वहाँ पर उसके बाद छुट्टी अनाउंस कर दी गई। आज कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जम्मू में काला दिन मनाया जा रहा है, आखिर क्यों? ऋषि जी, ये जो आज का हमारा विषय है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, हम इसे मानते हैं क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है और जो अभी मौजूदा जितने भी यहाँ हमारे देश के बाशिंदे हैं सबको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो ऐसी चीज़ें जो भारत देश के हित में नहीं होती हैं, जो हमारे राष्ट्र को सशक्त करने के लिए नहीं होती हैं, देश विरोधी होती हैं और विशेषकर जो विदेशों के द्वारा यहाँ पर परोसी जाने वाली नीतियाँ होती हैं, एक धर्म विशेष या एक हम कहेंगे खित्ते को खुश करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस के कार्यकाल से ही चलती आ रही हैं और किसी भी सरकार ने इतना ज़्यादा ध्यान इस प्रकार की जितनी कुरीतियाँ थी वो चाहे स्टेट स्पॉन्सर थी चाहे पूरे भारत देश में फैली हुई थी, इस प्रकार के कड़े एक्शन नहीं लिए गए, उनका कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि लिया जाना था। यहाँ तक ताल्लुक है जुलाई 13 का 1931 की वारदात का, वो था क्या, जैसे मैं तो उसे जोड़ूंगा आज के ही परिप्रेक्ष्य में, जिस प्रकार से आज हमारे जम्मू कश्मीर एक शासन है, प्रशासन है, एक रिटर्न यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, जबकि वो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए सही नहीं है क्योंकि वो सेकुलर नहीं है और जो धर्म निरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती थोपा जाता है। ऐसी सरकारें यहाँ पर रहीं जिन्होंने अलगाववाद को, जिन्होंने देश विरोध को और जिन्होंने एक धर्म विशेष को ही पनपाने की कोशिश की है और जिसकी निस्बत आज हम देखते हैं कि कश्मीर वाले एक अलग ही राग को अलपाते हैं, उन्हें हमेशा वो चीज़ स्वाद लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती है, वही उनको सही लगता है जो हमेशा भारत देश के खिलाफ होता है। उनके मनों में, उनके अंदर मस्तिष्क में इस प्रकार से एक जहर सा घोल दिया गया है जमात इस्लामी के स्कूल्स के द्वारा, मदरसों के द्वारा जो कश्मीर घाटी में है। जम्मू में इस प्रकार की गतिविधियां जो है नहीं है, जम्मू कश्मीर के
विशेषकर जम्मू के जो लोग हैं, जो हमारे लद्दाख के लोग हैं, वो देश प्रिय लोग हैं, वो राष्ट्र प्रिय लोग हैं, वो इस प्रकार की ताकतों को बल देते ही नहीं, और जब भी इस प्रकार की ताकतें सामने आती हैं तो उनको कुचल देते हैं। लेकिन कश्मीर में इस प्रकार की राजनीति चलती आ रही थी और पहले भी चलती रही कि उन्हें ये पसंद ही नहीं था कि एक हिंदू राजा जो है वो जम्मू कश्मीर, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, उस पर राज करे। वो किसी ना किसी प्रकार की छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के पूरी जनता को, जब तब भी जनता के यही मसले थे, बुनियादी उनकी सुविधाएं जो हैं वो नहीं पूर्ण होती थी, यहाँ तक तो भारत देश में वही समस्या थी, अनाज की समस्या कश्मीर में बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ के साधारण कश्मीरियों को कुछ ऐसे धर्म गुरु वहाँ पे आना शुरू हो गए, धीरे धीरे उन्होंने अपना इस्लामिक टेररिज्म जो है उसका एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जमात इस्लामी, अंजुमन इस्लाम, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को बनाना शुरू किया, और इसी प्रकार का जाला उन्होंने एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क वहाँ पे तैयार किया कि अल्टीमेटली पहले पहले उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितने भी लोकल यहाँ के रहने वाले हैं उनके अलावा महाराजा हरि सिंह जी बाहर से, यानी जो जम्मू कश्मीर के नॉन लोकल हैं, उनको बसा रहे हैं। इस प्रकार से उसको तुल दे दिया गया कि वो एक धर्म को लेकर के लड़ाई लेना शुरू हो गई, लड़ाई लगना शुरू हो गई, जिसके निस्बत यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट का कानून जो है वो इस प्रकार से बनाना पड़ा, जो कि वो भारत देश के हित में ना था और ना ही आने वाले दिनों में होने वाला है। फिर ऐसे करते करते अंग्रेजों के साथ भी भारत देश, जो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, उनके संबंध इतने बढ़िया नहीं थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक स्वायत्तता वाला राज्य था और जो अंग्रेज थे उनका सीधा यहाँ पर कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह जो थे वो काफ़ी सारे अपने तरीके से लोगों को सुविधाएं और लोगों की देखरेख किया करते थे, और एक बड़े अच्छे तरीके के कानून थे, हर प्रकार के वर्ग को उसमें नौकरी का भी मौका था, जिसमें चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी थी, चाहे वो सैनिक थे महाराजा हरि सिंह के थे, काफ़ी सारी फौज उस ज़माने में भी मुस्लिम धर्म के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया करते थे, अपने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की रक्षा किया करते थे, जो कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लद्दाख, लासा तक, गिलगित बाल्टिस्तान तक, अफगानिस्तान तक जुड़ते हैं। तब जम्मू कश्मीर के जो डोगरा रूलर थे महाराजा हरि सिंह जी, उनकी बदौलत और उनकी सेना की बदौलत था। लेकिन ये सब कुछ इस प्रकार के विषैले जो दिमाग थे उनको पसंद नहीं था, वो चाहते थे जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन हो जाए, 100% लोग जहाँ पे इस्लाम को मानना शुरू कर दें, और उनकी अपनी जो मंचा है, जो जिसम कहेंगे अपनी धर्म की जो दुकान है, उसको चलाने के लिए लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह जी ने भी ऐसे सारे लोग जो उस वक्त के तयशुदा जो कानून थे उनको नहीं मानते थे, जैसे आज होता जो नहीं मानेगा तो उसे सजा मिलती है, उसे जो स्टेट होती है वो उसको बुक करती है, उस पर एक मुकदमा चलता है, उसको सजा मिलती है। और उस समय भी महाराजा हरि सिंह ने उन सभी लोगों को, जो लोगों को भटकाया करते थे, जो नफरत की राजनीति किया करते थे, जो लोगों को एक बरगलाने की कोशिश किया करते थे, उन सभी लोगों को उन्होंने बुक किया और उनकी उस समय प्रशासन ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। और उस वक्त इस प्रकार की हवा चलाई गई कश्मीर के में, विशेष करके ये कहा गया कि जो महाराजा हरि सिंह जी हैं ये हिंदू हैं, ये हमारे यहाँ के जो मुस्लिम हैं उन पर राज करना चाहते हैं। इस प्रकार से मामला जो है वो इतना उछाल आ गया कि जो भीड़ थी वहाँ एक मुकदमा चल रहा था देशद्रोहियों के खिलाफ, महाराजा हरि सिंह जेल के अंदर चल रहा था, महाराजा हरि सिंह के द्वारा जो एक कोर्ट बनाई गई थी और उस समय भी सुनवाई होती थी, जो अपराधी होता था उसे पूरा अधिकार होता था अपना पक्ष रखने का, तो वो हालात को देखते हुए उन्होंने जेल में वहाँ पे कोर्ट बना दी गई और जो मुकदमा है वो चलना शुरू हो गया। बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है धर्म के नाम पर और इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर, लोगों को बरगला करके वहाँ जेल के बाहर लाया जाता है। कुछ भाड़े के लोग उस समय भी पाकिस्तान से उठ के आए हुए थे, ऐसे इस्लामिक माइंड थे जो आज हमें अलगाववादियों में नजर आते हैं, जो आज हमें गिलानी में नजर आते हैं, जो आज भी भारत देश के खिलाफ इस प्रकार की रणनीति अपनी आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे भारत देश कभी एकजुट ना रहे, और अपनी बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बोलने की आज़ादी का उस समय भी एक उसकी लिमिटेशन थी, आज भी एक लिमिटेशन है। तो उस समय जब एक अंदर केस चल रहा था, भीड़ ने एक बहुत बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने जो जेल थी उसे तोड़ने की कोशिश की, और जिसके निस्बत जैसे होना चाहिए आज भी वैसे होता है, जब कहीं भीड़
जितने भी हमारे जो प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसे कोई तोड़ता है, जहाँ लोगों को परेशान करता है, उस पर जो पुलिस होती है अपना कड़ा रुख अपनाती है। उस समय भी पुलिस ने वहाँ पे गोली चलाई, चलानी भी चाहिए। यहाँ अमरनाथ की जब यहाँ पे स्ट्रगल चल रही थी तो यहाँ पे गोलीबारी हुई, पुलिस ने काफी सारे लोगों को जान ले ली, तो तब हम क्या कहें कि उन गए हुए लोगों की जो जान गई थी पुलिस की गोलीबारी में, तो हम क्या कहें वो शहीद हैं, हम क्या कहें उनके नाम की छुट्टी होनी चाहिए। इसी प्रकार से उस समय भी देशद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए वहां पे जो कोर्ट की तारीख की सुनवाई हो रही थी, और तब भीड़ आती है और भीड़ अल्लाह अकबर के नाम के नारे लगाते हुए और हिंदू के खिलाफ बोलते हुए एक धर्म विशेष की ज्यादा जय करते हुए वो उस पर हमला करती है, और उस हमले को बचाने के लिए, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए अगर उस भीड़ को जवाब देना पड़ा, उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, मरने भी चाहिए थे, कम मरे थे, ज्यादा मरने चाहिए थे, ये 13 लोग तो कुछ भी नहीं थे, इसे ज्यादा होने चाहिए थे, ताकि इस प्रकार के आज के जमाने में भी ऐसे देशद्रोही हमें देखने को नहीं मिलते। और तब जा करके उन लोगों ने उन सभी लाशों को एक जनाजे के रूप में बहुत बड़ा एक हजूम बना करके हर गली कूचे में गुजरे, और जहाँ जहाँ से वो गुजरे ऋषि जी, वो 1947 में जैसे मार काट हुई थी, जैसे हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा गया था, काटा गया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, उस समय कश्मीर के हिंदुओं की दुकानें जलाई गईं, कश्मीर के हिंदुओं को लताड़ा गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उनको लूट लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया गया। आज उन्हीं लोगों की जय के लिए जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने जबरदस्ती लोकतंत्र का आज जो दायरा चल रहा है, लोकतंत्र का जमाना चल रहा है, उसमें हमें थोप रखा है कि ये दिवस जो है शहीदी दिवस है। ये किस एंगल से हम इसे शहीदी दिवस कहते हैं, देशद्रोहियों की वहां पे लाशें गिरी थी, आज देशद्रोहियों की लाशें अगर गिरती हैं तो हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन आज उन देशद्रोहियों की लाशें अगर गिरी हैं, जहाँ आज उनको जहाँ पे दफनाया गया है, वहाँ पे हमारे ही यहाँ लोकतंत्र ढंग से चुने हुए एक्स कई चीफ मिनिस्टर जो आज की डेट में है, वहाँ पे जाके फूल मालाएं चढ़ाते हैं, और यहाँ पे बाद में जा करके वो कहते हैं हमें आप वोट दीजिए, हम ही आपको इंसाफ वगैरह देंगे। तो कल को अगर हमें उनका रजीम अच्छा नहीं लगता है, उनका शासन प्रशासन अच्छा नहीं लगता है, हम अगर बोलेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, पुलिस हम पर एक्शन करती है, तो क्या हमें भी उस प्रकार का दर्जा दिया जाएगा? ये इतना आर्बिट्ररी पॉलिसी है, इतनी आर्बिट्री डिसीजन था उस समय की सरकार का, 47 के बाद जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की अगुवाई में बनाई गई, जो अपनी हर तकरीर में सबसे पहले एक बहुत बड़ा कलमा पढ़ा करते थे और अपने आप को आके कहते थे, और आज उनके ही पुत्र और उनके जो आगे उनके जो सपुत्र हैं वो कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर हैं, सबसे बड़े धर्म निरपेक्ष हैं। जब एक व्यक्ति भरी सभा में आकर के अपने धर्म विशेष की जय कहता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो किस प्रकार के हम लोग मानेंगे कि वो सेकुलर लोग हैं? लेकिन ऐसी चीज़ थोप दी गई, ऐसे खानदानी राज हम पर थोप दिए गए, जो जैनून यहाँ के लोग हैं, जो जैनून उनके जो मसले हैं, जो उनकी जैनून डिमांड्स हैं, उनको दबा दिया गया और सारी इस राजनीति को एक ऐसा रुख दिया गया जो एक ही एंगल से नजर आती है, वो है ग्लोबल जिहाद, टेररिज्म की जड़ें यहां पर पक्की करने के लिए फेवर में ही सारे काम पिछली सारी सरकारों ने किए थे। आज की जो मौजूदा सरकार है वो एक बड़ा अच्छा रुख अपनाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि कश्मीर में जिस प्रकार के विषैले कुछ दिमाग वाले लोग रहते हैं, जिन्होंने हाल ही में हमने देखा कि जब हमारा भारत देश न्यूजीलैंड से हारा, हार जीत तो चलती रहती है खेल में, लेकिन उन्होंने खेल में भी अपने उस धर्म को ढूंढा और एक धर्म विशेष की जय करने के लिए उन्होंने भारत देश की टीम की हार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी जताई। तो ये सब जमाते इस्लामी की एजुकेशन का असर है, ये सब उन चैप्टर्स का असर है जो ये ठहराते हैं कि जुलाई 13 में मरने वाले जो देशद्रोही थे वो बहुत बड़े जम्मू कश्मीर के लिए शहीदी लोग थे। जब तक इस प्रकार की चीज़ें हमारे चैप्टर में आती रहेंगी, पॉलिटिकल साइंस में भी 11th 12th में ये चैप्टर है जम्मू कश्मीर के बोर्ड में, जब तक इन चीज़ों को हटाया नहीं जाएगा तो हमारे आने वाले जितने भी जनरेशन है वो यही समझेगी कि जो उन लोगों ने किया था वो अच्छा किया था, जो आज लोग पत्थर मार रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो आज लोग बंदूक उठा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ताना बाना बुन दिया गया है जिससे आने वाले जो हालात हैं हमें लगता है ये हमारे देश के लिए इतने सर्वोपरि नहीं। बिल्कुल सही कहा संदीप जी, जिस तरह से जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है उसी हिस्ट्री की आज बात होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब ये पूरा मसला चल रहा था जब जेल के अंदर सुनवाई जो है वो की जा रही थी, उसी दौरान जब पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, जो देशद्रोहियों की भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें हमारी माताओं बहनों पर भी जो है वो अत्याचार हुए थे। बिल्कुल ऋषि जी, वहाँ पर जब वो भीड़
जब उन पर गोलीबारी हुई तो उस भीड़ ने एक नया रुख अख्तियार किया और वो सारी भीड़ जो है वो हिंदुओं की बस्ती में गई। वहाँ पर उन्होंने चुन चुन करके नाम ले लेके और उनका धर्म पूछ करके उन्हें बाहर खींचा और उन्हें निकाला और उन्हें जिंदा किसी को जलाया भी, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा, बहन बच्चियों को उन्होंने परेशान किया, उनके साथ दुराचार किया। यदि इस प्रकार की उन्होंने गतिविधियाँ की, आज हम उन्हीं लोगों को याद करने के लिए कहें वो शहीदी थे, उनको एक नया दर्जा देते फिरे और इसे एक दिवस के रूप में मनाए, ये तो कदापि हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की जितने भी अवगुण हैं वो नहीं निकाले जाएंगे, इस प्रकार की नीतियां जो पुरानी सरकारों ने हमें हम पर थोप रखी हैं नहीं निकाले जाएंगे, हम नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के बीच में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें हैं वो एक अच्छे तरीके से चलती है और लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो भीड़ तंत्र था। सबसे पहले लिंचिंग अगर भारत देश में हुई तो मैं समझूंगा आज जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और सुडो सेकुलरिस्ट लोग हैं उनके लिए भी ये एक संदेश है। लिंचिंग उस जमाने की 1931 में की गई लिंचिंग, पूछिए आज उन कश्मीरी हिंदुओं को जो आज दिल्ली में बैठे हैं, एक बार फिर से लिंचिंग दोहराई गई 1951 में 1990 में दोहराई गई, नाम से जोड़ दिया जाता है बिल्कुल फिर से धर्म के नाम पर। और आज कश्मीर घाटी को 100% उसे इस्लामाइजेशन कर दिया गया है। आज वहां पर एक भी आपको हिंदू परिवार बमुश्किल नजर आएगा, वो किसी मजबूरी के कारण, वरना सारे के सारे वहां से खदेड़ दिए गए हैं और खदेड़ करके वो भारत देश के अपने ही देश में वो बेचारे एक रिफ्यूजी बन करके घूम रहे हैं। कभी भी उन लोगों ने, कभी भी कश्मीर की जनता ने कश्मीरियत के नाम पर उनके लिए कभी बंद नहीं किया कि जब तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस यहाँ पे नहीं बसाया जाता तो हम सरकार को नहीं मानेंगे। तो हम मानते कि कश्मीर की जनता बहुत लोकतंत्र प्रिय है और बड़ी अच्छी जनता है और ये धर्म निरपेक्ष जनता है, लेकिन वो जनता धर्म निरपेक्ष जनता नहीं है। वहाँ पे आज भी ऐसे सपोले हैं जो आज भी किसी और देश की गाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। आज भी वहां के बड़े सारे वोटर्स इस प्रकार के हैं। आज भी वहां सारे बड़े सारे नेता ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को खुश करने के लिए धर्म के नाम पर बरगलाते हैं। और वहां पे तो रिटायर्ड जज ऐसे निकले जो आज जीत भी चुके हैं एनसी की टिकट से, और उन्होंने भी एक विशेष धर्म को नारे दिए उनके और दूसरे धर्म की उन्होंने मुखालफत की और भारत देश के खिलाफ जितनी उन्होंने स्पीचेस की उन्हें उतने ज्यादा वोट मिले। इस प्रकार की जो चीजें हैं जब तक हम नहीं निकालेंगे, इस प्रकार के दिवसों को जब हम यहां से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के हालात पटरी पे एक पूर्ण रूप से नहीं आ सकते हैं। चलिए एक चीज मैं और भी जानने की कोशिश करूंगा। अब जिस तरह से जो हिस्ट्री में लिखा है आपने भी बताया, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त की जो सरकार थी उसने शहीदी दिवस के नाम पर छुट्टी अनाउंस कर दी। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे महाराजा रहे हैं डोगरा विरासत के, लेकिन आज उन्होंने भारत को देखा जाए तो विलय करवाया, भारत के साथ स्पेशल स्टेटस दिलाया स्टेट को, उसके बावजूद भी उनके जन्मदिवस पर छुट्टी नहीं दी जा रही। ये इसके पीछे भी क्या आपको कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कश्मीर लीडरशिप है वो जम्मू की लीडरशिप पर ज़्यादा हावी है? ये ऋषि जी फिर से ये एक मुखौटा है जो कश्मीर की लीडरशिप अपने आप को दर्शाने की कोशिश करती है। वो मुखौटा है अलगाववाद का। ये लोग इस्लामिक जिहाद का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं नाम की, और जितने भी यहाँ सरकारी दायरे हैं उनके हेड बन के बैठ जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हैं जो इस्लामिक टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, जो जम्मू कश्मीर और बाकी भारत के देशों में बसने वाले जितने भी अलग धर्म के लोग हैं उनको बढ़ावा देती हैं कि वो एलिनेशन अपने अंदर करें, वो एक धर्म विशेष की जय करें और भारत देश को तोड़ने की, और पाकिस्तान में बैठे हुए थिंक टैंक जो है जिसे हम कहते हैं गजब हिंद का जो एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये लोगों को बढ़ावा उस समय की कांग्रेस सरकार ने दिया, वोट बैंक के खाते दिया। यदि आज भी अगर उनकी मंशा कश्मीरियों की और कश्मीरी लीडर्स की अगर सही है तो वो घोषित करें ना, सबसे पहले घोषित करें कि हम धन्यवाद करते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी का जिन्होंने इतना बड़ा भारत देश का, जब भारत देश पर जहाँ ब्रिटिश राज करते थे उस समय जम्मू कश्मीर भारत का बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, भारत की एक बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी और सारे के सारे पूरे भारत देश में इसका जियोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा उच्च दर्जे का माना जाता था। यहाँ पे लोगों की कंडीशन बाकी भारत देशवासियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी मानी जाती थी और वहाँ पे यहाँ पर इतना ज़्यादा जात पात का वो नहीं था
और अंग्रेजों को भी ये चीज़ जो है रास नहीं आती थी और कश्मीरियों को भी ये अच्छा नहीं लगता था यदि वो महाराजा गुलाब सिंह के थैंकफुल हो जाएं जिन्होंने कश्मीर को, जिन्होंने जम्मू को, जिन्होंने लद्दाख को, गिलगित को, बाल्टिस्तान को, ऐसे कई एरियाज को मिला करके आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर आज ये हमें पूरे वर्ल्ड में इसका जो नक्शा नज़र आता है वो बनाया था जनरल जोरावर सिंह जी की कॉन्ट्रीब्यूशन से बना था। उस इतिहास को कभी नहीं दिखाते क्योंकि वो इतिहास भारत को जोड़ता है, वो इतिहास हमारे यहाँ की जनता को देश प्रिय बनाता है, ये इतिहास जितने भी जहाँ के लोग हैं उन्हें अलगाववाद के खिलाफ जाने को कहता है। इस प्रकार का इतिहास कभी नहीं वो अपने यहाँ चैप्टर पे जोड़ते हैं, यहाँ के लोगों को बताते हैं, वो हमेशा ऐसे इतिहास को आगे ले जाते हैं जो इस्लामिक टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देता हो, ग्लोबल जिहाद को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हो, वो हमेशा उसी प्रकार के इतिहास को आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर 1947 के बाद जिसे हम कहते हैं बड़ी पहली एक सरकार बनी थी लोकतंत्र की, वो लोकतंत्र की सरकार नहीं थी, वो ब्लैकमेलिंग की सरकार थी जिसे एक विशेष धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करके उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ जहां पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया था। और आज उनके द्वारा बनाई गई नीतियां यहां पर जो चल रही हैं आज हम उनको नहीं मानते हैं। इस प्रकार के काले कानून, इस प्रकार के काले दिवस कभी भी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं होने चाहिए। अगर वो इतने ही अच्छे लोग हैं कश्मीरी हुक्मरान या कश्मीरी लीडर तो वो क्यों महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी घोषित नहीं करते? अगर वो इतने ही ज़्यादा आज़ादी आज़ादी की अपनी रट लगाए रहते हैं तो देखिए भारत देश में इतनी ज़्यादा आज़ादी कैसे हो सकती है? आप भारत देश की हार में पटाखे चलाते हैं, खुशी जताते हैं, फिर भी आप आराम और चैन की नींद सो जाते हैं। कभी पाकिस्तान में जाना और पाकिस्तान की हार पर पटाखे फोड़ के दिखाना और देखना आपको सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। तो ये भारत देश में दी जाने वाली आज़ादी है। आज़ादी तो हम लोगों को चाहिए जो जहाँ पे आए दिन कश्मीरियों की मनमर्जी के कारण हमारी बाकी पूरे खित्ते की, जम्मू कश्मीर के खित्ते की, जो लद्दाख है, जो जम्मू का काफ़ी सारा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, आज वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, आज वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आज इस प्रकार का इतिहास बताने की ज़रूरत है। इस प्रकार का इतिहास, इस प्रकार की बातें जो सिर्फ एक रेस को, एक ब्रीड को, एक रीजन को खुश करती हों और एक धर्म को खुश करती हों, हम ऐसे वाले आज मॉडर्न वर्ल्ड में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और ऐसी नीतियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, यदि आपने शहीदी दिवस का दर्जा आगे भी कंटिन्यू करके रखवाना है, कश्मीरियों की अलगाववादियों की मंशा को आगे चलाना है, तो हम भी यहां से आज ही अनाउंस करते हैं कि जो आने वाला सितंबर 23 है उसे भी आप कर दीजिए, यहां से अनाउंस कर दीजिए, विद्वान स्ट्रोक कर दीजिए, ऑर्डिनेंस ले आइए कि 23 सितंबर जो है वो एक बहुत बड़ा दिवस मनाया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में, या फिर अब अक्टूबर 26 को एक आज के दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी जाए, आठ दिन की छुट्टी कैंसिल होनी चाहिए और अक्टूबर 26 को विलय दिवस घोषित कर देना चाहिए और वहाँ भी छुट्टी मनानी चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको ये इतिहास की जानकारी हो सके कि आखिर कितनी ज़्यादा जदोजहद करके और कितने सारे हम पर हमले किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो लूट उन्होंने मचा रखी थी, 12 मुल्कों को उन्होंने तहस नहस कर दिया था, लोगों को वो घरों से घसीट घसीट के उनके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े कील वगैरह ठोक रहे थे और उनके महिलाओं के साथ वो दुराचार कर रहे थे, लूट रहे थे, उन्होंने इतने ज़्यादा कुकर्म किए कि उनकी अगर हम गिनती करें तो कम पड़ जाती है। आज उसी प्रकार की पाकिस्तान की मंशा को हम फिर से जुलाई 13 मना करके आगे बढ़ाएं, ये कभी मायने नहीं रख सकता यहाँ जम्मू कश्मीर और भारत देश के पक्ष में। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि पिछली सरकारें जो भी रही हों, भाजपा भी यहाँ पर सरकार का हिस्सा रही है, राष्ट्रवादी पार्टी कहती है अपने आप को, लेकिन क्या उसका भी कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाए? महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी तो वो नहीं दिला पाए, लेकिन क्या इस पर कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी उनको? यदि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली जो रही पीडीपी के साथ, वो मैं ये कहूँगा कि बाकी सभी सरकारों के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार कोलिशन जो रही वो एक काला इतिहास था, एक काली राजनीति थी जम्मू कश्मीर के इतिहास में। जितनी ज़्यादा ग्लोबल जिहाद टेररिज्म की ताकतों को बढ़ावा पिछले 3 सालों में मिला है इतना शायद ही पहले कहीं मिला हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में इनका जितना भी यूनिट है, जितनी ज़्यादा उन्होंने इस्लामिक टेररिस्ट फोर्सेस के आगे अपने माथे टेके हैं, इतने किसी ने नहीं टेके हैं। और उन्होंने
ऐसी एक शख्स का साथ दिया, उसे चीफ मिनिस्टर 6 सालों तक मानने को राजी हो गए थे, जो सबसे ज्यादा भारत देश के खिलाफ जाने वाली बातें आज भी कर रही हैं और तब भी वो किया करती थी, भारत देश के संविधान को मिटाने की बातें वो किया करती थी। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी आज भी ये अपने आप को मानती है कि वो राष्ट्रवादी है, पूरे देश में वो डंका बजाती है कि हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो फिर वो क्यों नहीं सबसे बड़े राष्ट्रवादी यहाँ के जो पूरे भारत देश में उस समय के जो एक राजा हुए थे महाराजा, जिन्होंने जाकर के अंग्रेजों के सामने, किसी राजाओं ने नहीं ये बोला था, अबाउट मोर देन 550 रियासतें थी, महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि भारत देश को सिवाय आज़ादी देने के अंग्रेजों को यहाँ का राजपाट छोड़ने के और कोई चारा नहीं है। तो उसकी वजह से उस समय अंग्रेज भी उनसे खफा हुए थे, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस्लामिक टेररिस्ट फोर्सेस के साथ मिल करके महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया, और जो हमें जुलाई 1931 में ये 13 जो है जुलाई 13 ये आगे जा करके चला, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें अंग्रेज भी बराबर शामिल थे, वो चाहते थे जम्मू कश्मीर इतना बड़ा राज्य कभी ना रहे, और वहाँ का राजा जो भारत देश को आगे ले जाने की बात करता हो इस प्रकार के राजा को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज अगर वो भारत भारत की बात करती है और भारत को आगे बढ़ाने की बात करती है, एक भारत सब और श्रेष्ठ भारत की बात करती है, तो यहाँ पे सबसे बड़े भारतीय एकता के प्रतीक महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी इस समय तो घोषित होनी ही चाहिए। लेकिन उस वक्त हम 1931 की बात करें तो वहाँ उस वक्त हम देशद्रोह की एक परिभाषा उनको देते थे, लेकिन आज सेम वही प्रचलन चल रहा है, लेकिन आज आतंकवाद पनपा है, और इसी तरह से आज भी उसी तरह से शहीदी दिवस बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को भी वहाँ पर मनाया जा रहा है। फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, वही चीज़ है, लेकिन आखिर ये कब चीज़ ख़त्म होगी, कब कश्मीर के हालात ठीक होंगे, और जो हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कब इस तरह से पूरा ये जुड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर एक इकट्ठा राज्य जो है वो अच्छे से कहलाएगा। जम्मू कश्मीर का जो राज्य है ये अच्छा तभी होगा, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक तभी होगा, जब यहाँ पे जो एक खानदानी और डायनेस्टिक रूलर चलते आ रहे हैं, जब इस प्रकार की राजनीति का भोलबाला कम हो जाएगा, जब पैसे का जो बल होता है इलेक्शंस के बीच में वो कम हो जाएगा, जब जितने भी लोकतांत्रिक शक्ति से चुने जाने वाले नेता जो हैं वो जब ग्रास रूट पे की जाने वाली जो इलेक्शन पंचायत की होती है म्यूनसिपलिटी की होती है उसको बढ़ावा देने की बात करेंगे, तब जाकर के ये चीज़ें पीछे हटेंगी। और जब सख्ती से पेश आया जाएगा, जब ये नहीं देखा जाएगा कि किसी देशद्रोही को भी आज़ादी होती है, देशद्रोही को अपराधी को कोई आज़ादी नहीं होती है, और जितने भी इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं होती है कि वो हमारे देश के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ खुलेआम इस प्रकार के षड्यंत्र रचाएं और ऐसे दिवसों को और ज़्यादा बढ़ावा दें, जिसकी वजह से एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाता है जैसे अलगाववादी फोर्सेज जो हैं अपना रुख और ज़्यादा ऊंचा अख्तियार करना शुरू कर देती हैं। ऐसे वाले दिवस, ऐसी वाली नीतियों को हमें पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य को, और जनता भी जाके खुश होगी। कोई जनता, आम जनता इन लोगों से खुश नहीं है, किसी को सरोकार नहीं है जुलाई 13 से और जो 1931 में हुआ था, देशद्रोही मारे गए थे, और देशद्रोहियों के साथ इससे भी बड़ा अगर कोई सजा होती है तो वो होना चाहिए, उनके साथ इतना बुरा सलूक होना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की बरसी मनाने वाला कोई नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने इतिहास भी जान लिया होगा कि अगर जुलाई 13, 1931 की बात करें तो जो पूरा षड्यंत्र देशद्रोही द्वारा रचा गया था, एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बनाई गई, क्योंकि उन देशद्रोही को सजा देने का वक्त था, लेकिन जब ये पूरा माहौल बना तो उन्होंने वहाँ पर लूटपाट भी की उन देशद्रोहियों ने, और माताओं बहनों के साथ भी अत्याचार किए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने अगर कहें तो इसे छुट्टी अनाउंस कर दिया। पता नहीं कौन सा किला वो फतेह करके आए थे कि जो आज शहीदी दिवस जो है वो कश्मीर में मनाया जा रहा है और जम्मू में काला दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू के लोगों को ये शहीदी दिवस जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, और आज का दिन जम्मू में काला दिन मनाया जा रहा है। तो यही हमने आज बताने की कोशिश की कि अगर कुछ लोगों को इतिहास नहीं पता है तो इतिहास आज संदीप जी ने साफ साफ बता दिया कि पूरा मामला क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था, जिसके बाद वो शहीदी दिवस अनाउंस कर दिया गया, लेकिन वो महाराजा हरि सिंह जी जो कि
पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करवाया, स्पेशल स्टेटस दिलवाया, लेकिन आज भी उनके जन्म दिवस पर 23 सितंबर को छुट्टी अनाउंस नहीं की जा रही। कई सरकारें आके चली गई, हर बार आश्वासन दिया जाता है, ये सरकारें भी पता नहीं कब जागेंगी, लेकिन आज वक्त आ गया है कि इस मुहिम को आगे तक लेकर जाया जाए और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी अनाउंस जो है वो जल्द की जाए। लेकिन इस तरह की छुट्टियां जो है वो जम्मू के लोगों को अब बर्दाश्त नहीं है, जिसे आप शहीदी दिवस के नाम से जानते हैं और शहीदी दिवस का नाम दिया गया है और एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहलू आपने देख भी लिया कि वहाँ पर उन देशद्रोहियों के लिए शहीदी दिवस कश्मीर में मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू में काला दिन मनाया जाएगा और मनाया भी जा रहा है, और इस तरह की छुट्टियां जो है वो जम्मू के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।